चंदा संभल के चंदोसी में विद्युत विभाग से पीड़ित व्यक्ति ने की जान देने की कोशिश। आपको बता दें कि पूरा मामला चंदोसी तहसील क्षेत्र के ग्राम अहलैतपुर चंपू का है, जहां के रहने वाले अरविंद कुमार किसान ने विद्युत विभाग के जेई पर आरोप लगाया है कि 10,000 रुपए की रिश्वत नहीं देने पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है और आज उससे परेशान होकर उसने जान देने की कोशिश की। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरविंद कुमार। क्या हुआ आपके साथ, आपने सुसाइड करने का प्रयास क्यों किया? सर मेरा पिताजी के नाम से कनेक्शन है, मैंने उनसे कई बार गई थी अपने समझा गर्मी गाँव वाले से, मैंने मेरा मीटर उधर पोता जीता है, उनने कही नहीं चलाते रहो कोई बात ना, मैं वो सब पीने खाने के पैसे दे देता कोई बात ना चलते रहे। उसके बाद में मैं चंदोसी आ गया काम करने, उसके बाद में मेरे घर पहुंचा, उसके बाद में वो वीडियो बना लाया, बोले जेई साहब से मिल लेना, जेई साहब ने कही अनेकपाल से मिलो, अनेकपाल ने कही तो बोले जेई साहब 10,000 रुपये मांग रहे हैं तब मसला निपटाएगा ये। अब उसके बाद नाम क्या है? सतीश पाल, सतीश चंद। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अनेकपाल से मिल लीजिए। उसके बाद में फिर उनसे मिला, बोले जेई साहब 10,000 रुपये मांग रहे हैं, बोले कि कहते तब उसके बाद मैंने 10,000 रुपये नहीं दिए तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया है, 60,000 रुपये का मेरे नाम से जुर्माना भर दिया। मैं कहाँ से जमा करूंगा बताइए? आप ये बताओ, आज भी लॉकडाउन का मारा हुआ है। अच्छा आपने जैसे सुसाइड करने का प्रयास क्यों किया आपने? क्या कहाँ से दूंगा बताओ, मेरे नाम जमीन भी नहीं है कुछ भी नहीं है, बताओ कहाँ से दूंगा 60,000 रुपये? अच्छा अधिकारी साहब मिले तो अधिकारी ने क्या कहा आपसे? कह रहे थे चलो यार जांच कराऊंगा। चलिए संघर्ष करो, अभी लड़ाई लड़ो, लेकिन सुसाइड करने का प्रयास मत करो, ये गलत है। आप लड़ेंगे तभी जीतेंगे। दिनेश अग्रवाल, किस पद पर हैं? प्रशासकीय जनता। जैसे कि अभी एक लड़के ने अरविंद ने सुसाइड करने का प्रयास आपको अभी किया था, जिसको आपने समझा बुझाकर मना लिया है, तो क्या मामला है उसका, ऐसा क्यों किया उसने? उसने एक आवेदन पत्र दिया है अपना कि उसके घर पे कोई लाइनमैन ने उसका उत्पीड़न किया है, उसे 10,000 रुपये रिश्वत मांगने की मांगे और ना देने पर उसको विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा लिखवा दिया है। इससे बहुत आहत था और उसने ये भी बताया कि संविदा कर्मी तारी जो है उसका भाई भी बिजली की चोरी करता है, जो उसी गांव का रहने वाला है, तो इसकी जाँच के लिए हमने जो फर्स्ट शुक्ला जी हैं उनको जाँच अधिकारी बना दिया है, प्रकरण की पूरी जांच करा के कार्रवाई कराई जाएगी, इसको न्याय दिलाया जाएगा। जैसे कि इसे सुसाइड करने का प्रयास किया, अगर इस साइट किसी तरह से कर लेता उसका जिम्मेदार कौन होता? विभाग या वो खुद? नहीं, सुसाइड तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन उत्पीड़न तो जो संविदा कर्मी है उसका उत्तरदायित्व कहीं ना कहीं तो बनता। क्या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? खिलाफ समुचित कार्रवाई कराएंगे, एफ आई आर कराएंगे उसकी।